हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्च पकोड़ा। तो यहाँ हमने दो कलर का मिर्च लिया हुआ है। इसे हमने अच्छे से धोकर साफ टॉवल से पोंछ कर सुखा लिया है पानी को। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से चाकू को लगाते हुए हम इसे कट करेंगे। इसे हमें आर पार नहीं काटना है, बस इतना ही काटना है कि जैसे हम एक लाइन खींचते हैं बस वैसे ही चाकू को लगाकर एक लाइन की तरह कट कर लेंगे। इसके सेंटर मिर्च के जो दाने हैं उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। इसके बीज है वो तीखा होता है, अगर इसे हम रहने देंगे तो खाते वक्त ज़्यादा तीखा लगेगा खाने में। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, एक हमने यहाँ निकाल लिया है। इसी तरह से हम दूसरे को भी कट करेंगे। यहाँ अगर हमें यह निकालने में दिक्कत होगी तो हम छोटे चम्मच से भी निकाल लेंगे। आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे निकालें। इसी तरीके से हम सारे मिर्च के दाने को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ सारे मिर्च के दाने को निकाल दिया है। बीज का हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये तीखा होता है। अब हम इधर स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने लिया है यहाँ 5 मीडियम साइज का आलू उला हुआ है, इसे हमने मैश कर लिया है। यहाँ हम लेंगे 150 ग्राम पनीर, प्याज एक मीडियम साइज का कटा हुआ, हरी मिर्च कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता 2 बड़ा चम्मच, और हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा स्टफिंग के लिए मसाला तैयार है। अब हम इसे अच्छे से स्टफिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ एक छोटा सा चम्मच लेंगे, उससे हम अच्छे से इसे स्टफ करेंगे। यहाँ हमने बड़ा मिर्च लिया हुआ है, इसीलिए इसमें अच्छे से हम स्टफ करेंगे, ज़्यादा से भरेंगे। अच्छे से दबाते हुए हम अच्छे से इसका स्टफ कर लेंगे। तो ये देखिए, एक हमने यहाँ स्टफ कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे को भी स्टफ करेंगे। ये देखिए, हमने दूसरा भी स्टफ कर लिया है। इसी तरह हम सारे को हम स्टफ कर लिए हैं। चलते हैं, स्टफिंग हो गया है तो इधर बेटर की तैयारी करते हैं। तो यहाँ हमने 2 कटोरी लिया है बेसन, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी आधा छोटा चम्मच, बेकिंग सोडा, और यहाँ डालेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से एक डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। धीरे धीरे ही पानी डालें वरना हमारा यहाँ गीला हो सकता है, गुठलियाँ पड़ेगी इसमें। तो ये देखिए, हमारा स्मूथ बैटर बनकर तैयार है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम मिर्च को अच्छे से बेटर में कोटिंग करेंगे। इस तरह से हम कोट करते हुए तेल में डालेंगे। एक साथ ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, बस यहाँ 2 से 3 ही डालेंगे।
इसके ऊपर भी हम तेल का छिड़काव करेंगे। इसे हम पलट पलट के पकाएंगे। पकोड़े को हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर पकाने से ये होगा कि हमारा ऊपर का कोटिंग है वो जल जाएगा और अंदर से हमारा मिर्च है वो कच्चा रह जाएगा। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे बार भी सब मिर्च को इसी तरह से डालकर छान लेंगे। ऊपर से तेल छिड़केंगे। पलट कर इसे भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। पलटते वक्त अगर हमें कोई परेशानी होगा तो हम और एक हाथ में चम्मच लेकर दोनों हाथों से पलट सकते हैं। हमारा पकोड़ा है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब हम इसे भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा क्रिस्पी पकोड़ा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से हमने जो बनाया है इसे हम एक बार आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना कर देखें। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।